हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि आपको सबको पता है, मैं रोज़ अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, तो मैं थ्रोन ब्रेकर की तरफ बढ़ रहा हूँ, ताकि यही एक टाइटल है जो डिफरेंस रखता है कैवेलियर और थ्रोन ब्रेकर में, सारे रिवॉर्ड्स में। तो अब जो मैं आगे बढ़ रहा हूँ वो है थोर रैग्नारोक, मेन बॉस है इसमें, और ये है एक्स 6.4.2 का जो मेन बॉस थोर रैग्नारोक है। तो इसके लिए बेस्ट चैम्पियन जो है, मैंने एक बार फिर से एगोन को अपनी टीम में रखा है, क्योंकि जो लाइन मैं आपको बता रहा हूँ उस लाइन में एगोन का काफ़ी बढ़िया रोल है। आपको सिर्फ इतना करना है, आपको सिर्फ पहले फाइट में ही प्रॉब्लम होगा। ये लाइन आप देख सकते हो वाइट वाला जो मैंने फॉलो किया है, और उसमें ही आप भी फॉलो कर सकते हो। ये एकदम ईजी पाथ है, और इसमें से पहला ही जो चैम्पियन है डोमिनो, उसमें ही थोड़ा प्रॉब्लम होगा। पर आप बार बार अगर तकलीफ हो भी रहा है तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये पहली बॉस है बस। इसके बाद बाकी सारे ऑलमोस्ट इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आपका गेम प्ले अच्छा है तो एकदम बढ़िया है। मैंने एक बार फिर से एगोन और स्टार लॉर्ड को रखा है, स्टार लॉर्ड उसके कॉम्बो मीटर को एक बार बचाएगा। और बाकी सब मैंने मैग्नेटो रखा है मेन बॉस के लिए, वॉरलॉक रखा है आप, मैंने वॉरलॉक से ही डोमिनो को मारा, तो आप भी अगर ऐसा है तो ट्राई कर सकते हो, या कोई भी चैम्पियन आप ले सकते हो। और दोस्तों, इसी बीच आपने अगर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करना। और इसके बाद जो मैं बता रहा हूँ, इस पाथ में कुछ भी नहीं है। एक तो है प्रिसीजन जो कि हर 2 सेकंड में आएगा, और दूसरा रहेगा वीकनेस। फिर से एक बार वही बोल रहा हूँ, अगर आपका विल पावर खुला है तो वीकनेस आपके लिए फ़ायदा है, ताकि आपका हेल्थ आता जाएगा। अगर कोई भी मिस हिट आपको लग जाता है तो जितना भी आप उसके करीब रहोगे तो आपको वीकनेस लगेगा, तो आपका हेल्थ आएगा। ये बात अलग है कि सामने वाले का हेल्थ उतना धीरे जाएगा, पर आप एक बार 100 करके फिर से उसे मार सकते हो। और बाकी इसमें कुछ है नहीं। और अगर लास्ट लास्ट में जाओगे तो रोग है, और रोग का ऐसा है कि वो फर्स्ट अटैक अनब्लॉकेबल है, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी इसको छोड़ के पूरा आप एगोन के साथ ही कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ जिसमें सीधा मेन बॉस है थॉर, और इसे डिफीट करने के लिए मैग्नेटो सबसे बेस्ट है, या फिर कोलोसस। और इसमें भी देख लेते हैं कि इसका क्या है, इसके बफ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने कोई भी फ्यूरी ये सब नहीं डाला है, ताकि कि मुझे एगोन के पंचेस बनाने थे। और आप देख सकते हो एक बार फिर से एगोन के पंचेस 540 हो चुके, तो ये काफ़ी बढ़िया चैम्पियन है। तो आप इसको X6 में, तो इसका बहुत ही ज़्यादा मेन रोल है, तो वो आप यहाँ भी देख सकते हो। पर मैं जो इससे सोलो करने वाला हूँ वो मैग्नेटोस है। और इसके नोट्स एक बार देख मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही स्पेशल अटैक करेगा 4 सेकेंड के लिए, अगर इसका कोई भी हिट आपको लगता है आप सीधा KO हो जाओगे, तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जब तक आपका कॉम्बो मीटर 15 तक नहीं होगा, इसे 1% भी डैमेज नहीं होगा, तो वो भी याद रखना है, आपका कॉम्बो मीटर 15 होना ही चाहिए, उसके बाद ही इसका हेल्थ रिड्यूस होगा। तीसरा, इसके सारे स्पेशल अटैक अनब्लॉकेबल है, और ये जब भी स्पेशल अटैक करेगा तो इसका 50% पावर लेस जाएगा, तो मतलब ये एक एडवांटेज में रहेगा। तो ये नोट है, इसमें से मेन है एस्पेक्ट डेट, वो बहुत ही ध्यान देना है आपको, इसे छूने नहीं देना है। और दूसरा, कॉम्बो मीटर तब तक वो इनडिस्ट्रिक्टिबल रहेगा। तो यही है इसका नोट, इसके और कुछ नहीं है। तो चलिए मैं ट्राई करता हूँ, और उम्मीद यही रहेगा कि सोलो फाइट में हो जाए। तो मैग्नेटो को लेकर शुरू करते हैं। और एक दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि कम से कम उसकी जैसे ही 20 होगा आपको स्पेशल अटैक परफॉर्म करना है, वरना वो काफ़ी पावर गेन करेगा। तो इसके लिए आप ओजी विजन या फिर मैजिक ये सब भी ला सकते हो चैम्पियन, ताकि वो उसके पावर लॉक कर दे, या फिर आप नॉर्मली लेके आ सकते हो। तो मैंने तो कोलोसस और मैग्नेटो को ही रखा है, तो मैं पहले मैग्नेटो से स्टार्ट करूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और एक मैं इसमें डाल दे रहा हूँ जो मेरे पास बहुत पड़े।
बस तो चलिए अब शुरू करते हैं। अरे यार थोड़ा उसमें देखने में रह गया, वरना सोलो फाइट हो जाता, बट कोई बात नहीं। चलिए दूसरे से करते, 50% हेड तो चला गया। तो एगोन से ट्राई कर रहा हूँ, शायद इससे हो जाए। Thank you.
तो देखा दोस्तों, आपने बड़ी आसानी से हो गया। अगर मैं एगोन को फुल हेल्थ करके ले जाता तो भी शायद आराम से हो जाता, बट मुझे हेल्थ पोर्शन बचाने हैं, क्योंकि अब इतना ही नहीं, आगे और भी करना है। तो ये काफ़ी इजी था। अगर मैं अब तक की बात करूँ तो रैग्नारोक को मारना कुछ ज़्यादा इजी था, और ये काफ़ी बढ़िया ही रहा। मैग्नेटो से हो जाता, बट फर्स्ट टाइम है तो मैं इतना कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि उसका 20 हिट्स के अंदर वो पावर गेन करेगा, तो स्पेशल अटैक परफॉर्म करना है, तो मैं थर्ड अटैक तक नहीं ले जा पाया। तो इसीलिए कहीं क्यों ना हो जाए, इसके कारण मैंने नॉर्मल फाइट ही खेला, वरना मुझे पूवर्स बफ जमा करके सीधा थर्ड अटैक करना था, और इसके 15 कॉम्बो मीटर से पहले इसको कुछ भी डैमेज नहीं होगा, जो कि आपने देखा ही होगा। तो ओवरऑल फाइट काफ़ी मज़ेदार रहा। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको कुछ हेल्प करे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।